बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आपके साथ जो है वो वीडियो पे फेस टू फेस जो है बैठे हुए हैं, और काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन होने लगे हैं, और ये इलेक्शन जो है वो 20 हलकों में हो रहे हैं, और जिसमें पीटीआई और नून लीग का बड़ा कांटेदार मुकाबला हो रहा है। तो मैं ये आपको नहीं कहूंगा कि किसको वोट देना है या किसको नहीं देना, वाबस्तगी जो है आपकी किस पार्टी के साथ होनी चाहिए या किसके ना साथ ना होनी चाहिए। मैं कुछ हकायक जो है, जो मैं प्रैक्टिकली तौर पे जो है मैंने व्यू किए हुए हैं, जो देखे हुए हैं, उसके लिहाज से जो है मैं वो बयान करने लगा हूँ कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो खुद जिसे ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। मतलब आप प्रैक्टिकली तौर पे, आपको जो है जो ऑब्जर्व किया हुआ है, मैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी ऐसा जो है वो किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं, लेकिन लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है कि आप किसी किसी आदमी को या किसी लीडर को कितना पसंद करते हैं। तो ये जो है ये तो एक ह्यूमन नेचर है। तो इंसान जो है वो किसी अच्छी चीज़ को जब देखता है तो उसको पसंद करता है, और अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको डिसलाइक करता है। तो मतलब ये कहने का ये है कि इमरान खान जो है वो, उसकी कुछ चीज़ें जो है जो मुझे इतनी अच्छी लगी हैं कि जो मैं बयान करना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन आप लोगों के जहन में एक दफ़ा वो जो है वो दोबारा जो है वो आपके जहन में मतलब रिव्यू हो जाए। पहली बात जो इमरान खान की है जो मुझे पसंद आई है, वो ये है कि इमरान खान ने सारे स्कूल्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे कुरान पाक की तालीम तर्जमे और मीनिंग्स के साथ जो है वो लागू करवाई। अब ये इतना बड़ा स्टेप है और इतना बड़ा इकदाम है कि आज से पहले पाकिस्तान को बने हुए 70 और मोर देन 70 ईयर हो गए हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरह का काम करता। आपको पता भी है कि ज़ियाउल हक की इस्लामी हुकूमत भी रही, लेकिन उसमें भी ये नहीं हुआ। और इसके अलावा जो है मुसलमानों की ही हुकूमत रही, और हमारा इस्लामी मुल्क जो है पाकिस्तान जो है वो बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे है। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे तो इस्लामी शुआर और इस्लामी तालीमात जो है वो शुरू से ही होनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी किताबी बातें थी कि एक दो अल्फाज या एक दो हदीसें या कुछ 10-15 अहादीस वगैरह जो है वो सिलेबस में शामिल कर देते थे। लेकिन बाकायदा तौर पे जो सिलेबस लागू किया गया, और पहली क्लास से लेकर 12वीं तक जो है वो सिलेबस जो है जिसमें कुरान पाक की तालीमात जो है वो मीनिंग्स के साथ और तर्जमे के साथ। अब इसको मैं आपको मिसाल बयान करता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो 6th क्लास में पढ़ता था, जब हाफिज साहब उसको शाम के टाइम पढ़ाने आते थे, पढ़ाने आए तो उन्होंने सायकुल सुफहाओ पढ़ा, तो उसने उसका तर्जमा करके बता दिया। तो हाफिज साहब बड़े परेशान हुए कि यार ये आपको किसने बताया है कि आप मतलब वर्ड टू वर्ड जो है मुझे बता रहे हो। तो वो कहता है कि ये हमारे स्कूल में राइज हुआ हुआ है, और ये सिलेबस का पार्ट ऑफ सिलेबस हमारे। तो ये एक इतना अच्छा इकदाम था कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इमरान खान को चाहे आप यहूदी कहें, चाहे आप उसको कादियानी कहें, चाहे आप उसको जो मर्जी कहें, लेकिन इस तर्ज तालीम से अगर एक बंदा भी सही तौर पे मुसलमान हो जाता है तो वो कितने लोगों की शफात का बास बनता है, ये बात आप खुद सोच लें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो FSC के सिलेबस में और BA के सिलेबस में जो है वो इस्लामियत में डाली। तो पहले हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत के बारे में बस एक कहानी पढ़ते थे कि एक बुढ़िया थी वो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिका, जो कि अभी पता चला है कि वो तो हकायत जो है वो है ही झूठी है, मनगढ़ंत सी है कि वो कूड़ा वगैरह फेंकती थी, ऐसा ऐसा जैसा कोई मसला नहीं था। तो यही पढ़ते होते थे, और इस तरह की दो चार और जो है वो कहानियाँ पढ़ते होते थे। लेकिन ऐसा जो है सिलेबस को, एक सीरत को एज ए सिलेबस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना और लागू करवा देना, ये एक बहुत ही आला स्टेप था जो उसने करवाया। पहली बात तो ये जो मुझे उसकी अच्छी सी लगी, और जो मैं समझता हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम जो है उसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि किसी बंदे की जो है खामियां वो तो हर कोई निकालता रहता है, लेकिन खूबियां जो है उसको देखना चाहिए, खूबियों की बिना पे जो है उसके साथ जो है आपको उसके साथ शेयरिंग करनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद दूसरी बात जो है जो मुझे अच्छी उनकी लगी, वो ये लगी कि उन्होंने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बारे में भी मैंने अपनी मूवी बनाई, और ये बनाया कि सेहत कार्ड से आप किस तरह मुस्तफीद हो सकते हैं, किस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेहत कार्ड की मैं मिसाल देता चलूं कि मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारे अपने मतलब, एक बंदे ने अपने दिल का ऑपरेशन करवाया, उसके वॉल्व वगैरह बंद हुए हुए थे, उसका 9-10 लाख रुपए का जो खर्चा था जो कि हॉस्पिटल ने बियर किया, और सेहत कार्ड से वो फ्री जो है, बल्कि 1,000 रुपया किराया लेकर वो घर वापस आया। तो इसी तरह एक मेरा दोस्त जो है उसकी जो है वो
भाभी जो थी उसका पित्ते का ऑपरेशन था, तो यहाँ साहिवाल में हुआ, और उसका जो तकरीबन जितना भी खर्चा था वो सारा हॉस्पिटल ने बियर किया, यानी कि गवर्नमेंट ने बियर किया, और वो आदमी जो है वो उसकी जो जब वो आने लगे तो उनको भी 1,000 रुपया दिया गया। मतलब ये कितना अच्छा स्टेप है कि लोग जो है 10 लाख तक जो है, एक गरीब आदमी जो है वो किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में वो अपनी इवन के मैटरनिटी केसेस जो है वो भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर का जो है जो सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, उस पर भी करवा सकते हैं। तो ये कितना अच्छा वाला स्टेप था जो उसने दिया। अब गवर्नमेंट जो है आजकल की गवर्नमेंट है, इसने 2,000 रुपये दिए और इतना वो जो कर रही है, मतलब लोगों पर इतना एहसान कर रही है, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो 12,000 रुपया, और हमारे बहुत ही ज़्यादा जानने वाले इतने गरीब लोग जो हैं ये 12,000 रुपया लेते रहे हैं और 12,000 से अपने घर का खर्चा चलाते रहे हैं, और अब ये कह रहे हैं कि 2,000 में जो है वो आप अपने घर का खर्चा भी चलाओ, अपनी मेडिसिन भी लो, और अपना जो है वो सारा मतलब अपना खर्चा पूरा करो, और 2,000 में और उसमें से कुछ रकम बचा लिया करो, और ये एक एहसान कर रहे हैं। तो मेरा बेसिकली जो है वो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप वो चीज़ें देखें जो किसी बंदे की अच्छी चीज़ें हैं, जो उसमें खसूसियात हैं। अच्छा, फिर इमरान खान ने एक और इसके अलावा जो स्टूडेंट लोन था वो स्टूडेंट लोन दिया लोगों को, आसान घर मुहैया किए इमरान खान ने, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या बता रही हैं कि वो मुल्क का खैरख्वाह था। और अब आप देखें कि जब वो जा रहा था तो उस वक्त GDP जो था वो 5.6 था, और ये इनकी गवर्नमेंट जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उन्हीं ने तस्लीम किया कि उसका GDP जो है वो पिछली गवर्नमेंट जो है और उसकी सारी स्कीमें जो है वो सही थी। और आप देखे कि पेट्रोल जो है वो 150 रुपये में मिल रहा था, और उस वक्त जब ये चीज़ें महंगी थी हम भी समझते थे कि इमरान खान ने बहुत महंगाई की हुई है, लेकिन अब जाके पता चला कि असल माजरा क्या था कि वो हमें बिजली भी सस्ती दे रहा था, वो हमें मतलब घरेलू ग्रॉसरी जो थी वो भी सस्ती दे रहा था, पेट्रोल वगैरह भी सस्ती दे रहा था, और इसके बावजूद जो थे वो हम इतने नाशुक्रे थे कि हम उसको जो है वो कोसते रहते थे, लेकिन अब जाके पता चला कि ये उसको कोसना जो था वो हमारे लिए बहुत गलत था, क्योंकि उसने वो तो बहुत स्ट्रीम लाइन में कंट्री को लेकर जा रहा था, और पाकिस्तान जो है वो पहली दफ़ा जो है वो इतने अच्छे वो जो है जा रहा था अपने हालात में, और ये प्रॉस्परस और खुशहाली की तरफ जा रहा था पाकिस्तान, तो उसमें जो है वो इसने आज जब ये रेजिम चेंज हुआ तो सारे मसाइल जो है वो अब खड़े हो गए, और अब आवाम जो है वो पीट रही है, परेशान हो रही है, और उसने लोगों को घर जो है उनका लोन दिया, घरों का लोन दिया वज़ीर-ए-आज़म स्कीम में, प्राइम मिनिस्टर आसान लोन दिया, तो ये सारे सिलसिले जो है ये सारे यही जाहिर करते हैं ना कि इमरान खान जो है वो एक मतलब अच्छा लीडर था, अच्छी तरह जा रहा था, और उसका जो रिलीजियस ट्रेंडिंग है, जो रिलीजियस उसका है, चाहे लोग दिखावे का समझते रहें, इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन कहना जो है चाहे दिखावे का सही, अल्लाह पाक को पता नहीं किस वक्त किस लम्हे कोई बात अच्छी लगे और वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और उसकी तकदीर बदल जाए, और उसमें गुजारिश भी यही है कि उसी को कंटिन्यू किया जाए इमरान खान को, कि वो एक अच्छा लीडर है, उसने मुल्क के लिए कोई पैसा नहीं मुल्क का चुराया, कोई वो बाहर नहीं भागा, कोई उसकी बाहर जायदादें नहीं है, इवन के लोग जो बाहर वाले वो ये कहते हैं जो फॉरनर्स हैं जो पाकिस्तानी उधर गए हुए हैं कि जनाब हम हैं इमरान खान का सरमाया, मतलब ये देखें कि उनका कितना इसके ऊपर जो है वो उम्मीद है, इससे कितना एतमाद है इस पे, सारी उम्र चाहे ये भी जो है वो शौकत खाना इसने बनवाया है, और मैंने तो ये भी वीडियोस देखी हैं कि लोग जो हैं जो शौकत खाना में जिनके बच्चे जो हैं वो कैंसर के पेशेंट थे, और जिनके जो जो यंग लोग जो थे जो कैंसर के पेशेंट थे उनका ट्रीटमेंट हुआ और कितने अच्छे तरीके से हुआ, तो ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि वो एक फलाही मुमलकत की तरफ जा रहा था, और अल्लाह ताला ने उसकी मदद इंशाल्लाह ताला ज़रूर करनी है, और आइंदा भी मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी मदद करेगा। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि कोशिश करें और कि हक का साथ दें, कि झूठ और ये जो है धोखेबाज लोग जो हैं, जो सर्टिफाइड लोग जो हैं मतलब क्रिमिनल्स जो हैं, उन उन उनसे बचें, और इमरान खान को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम।